एमपी के नए सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। पहली कैबिनेट में योगी स्टाइल में फैसले लेने के बाद अब कई बड़े अफसरों पर गाज गिरने के संकेत हैं। खबर है कि सीएम मोहन जल्द ही प्रशासनिक सर्जरी करने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक्शन में सीएम मोहन यादव योगी स्टाइल में ले रहे हैं बड़े फैसले। एमपी के अफसरों पर गिरेगी गाज, जल्द होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मुख्य सचिव से लेकर कई जिलों के कलेक्टर एसपी बदलने के संकेत। सूबे में अफसरों पर होगा सीएम मोहन यादव का कंट्रोल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान मोहन यादव के हाथों में सौंपे जाने के बाद सीनियर अफसरों के बीच बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव अपनी पसंद के हिसाब से प्रशासनिक टीम तैयार करेंगे। मुख्य सचिव के रूप में सीनियर आईएएस वीरा राणा फिलहाल प्रभारी की भूमिका में है। इसलिए नए मुख्य सचिव की रेस में प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस अनुराग जैन, आशीष उपाध्याय का नाम जुड़ गया है। मुख्य सचिव रहे इकबाल सिंह बेस के नवंबर माह में रिटायर्ड होने के बाद 1988 बैच की वीरा राणा को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वीरा राणा का कार्यकाल मार्च 2024 तक है। इस तरह उनके रिटायरमेंट में करीबन 3.5 माह का समय फिलहाल बाकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फैसले और बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों को बदला जा सकता है। वर्तमान में मनीष रस्तोगी सीएम के पीएस के तौर पर पदस्थ हैं। वे मार्च 2020 से इस पद पर बने हुए हैं। इस तरह उनका एक ही स्थान पर 3.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इसके अलावा कई और विभागों में कई अधिकारी 3 साल और उससे ज्यादा समय से पद पर डटे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों का हटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई जिलों के कलेक्टर, आईजी, एसपी और संभागायुक्त को भी बदला जा सकता है। यादव बतौर मंत्री उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्नर से उनकी अच्छी ट्यूनिंग रही है। माना यह भी जा रहा है कि सीएम की टीम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।